मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1999। मुंडी का सार है, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया, इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट, तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं, तो इसमें मेहनत नहीं ना करनी पड़ती, क्योंकि पुरुषार्थ से नहीं मांग रहे, बाबा आज स्नेह से दे रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहां दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है कि जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है, और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था ना, कुछ कहाँ था, वो बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक स्नेह हो गया। तो जो सबके साथ प्यार था वो क्या हो गया,
वो एक बाबा से हो गया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं हर संबंध मेरे से निभा सकते हो। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा, क्या कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। बाबा पूछते हैं ना, बाबा कहते हैं स्नेह किससे है, तो बाबा ने कहा मेरे से। सभी कहते हैं ना कि मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। तो आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा, क्या कहा, मेरा बाबा मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह के रूरिहान की ना, तो सारा दिन क्या किया, स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वो है समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। सभी साकार में लक्षण दिखाई दे, जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन में दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज निकले, क्या आवाज निकले, कि ये आत्माएं बाप समान हैं। तो बीच बीच में बाबा को खांसी भी आ रही थी, तो बाबा कहते आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, तो यह भी तो माइक है ना। तो अब दादी के तन से क्या हो रहा था, खांसी हो रही थी, तो बाबा कहते ये माइक है, ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं, तो कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। क्या प्रत्यक्षता चाहते हैं, कि जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, गुण और कर्म का। हर एक बच्चों के नयनों से ये अनुभव हो कि इनों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। उनों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने और कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि इनको बनाने वाला कौन। तो जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है ना कि ये बनाने वाला कौन, तो ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए भी कोई आत्मा ऐसी बन सकती है, तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, और फिर आपकी प्रजा भी बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ही ना, है ना। तो बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, कौन सी बात का, कि वर्तमान वायुमंडल अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, और चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं।
ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वो सब के पास है। अगर कोई को कमी है तो वो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास हैं। जो आवश्यक साधन हैं वो तो चलने ही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन हैं। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना वो ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा आज आप समान बाप के समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब क्या करना है, अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। ब्रह्मा बाप को देखा कि लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसको कहेंगे वैराग्य, कि साधन है फिर भी हम उससे दूर हैं। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हम तो वैरागी हैं, वैराग्य है तो वो कैसे होगा, वो तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे साधना के आदि में साधन कम नहीं थे लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है। क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं और इच्छाओं के वश आत्माएं क्या हैं, परेशान हैं। चाहे पद्मपति भी हैं लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है, जड़ में दिखाया है ना, तो आप फाउंडेशन हैं। आपकी लहर विश्व में फैलेगी, इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो, आवश्यक साधन यूज करो लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। इस समय के प्रमाण क्या है, सच्ची साधना तपस्या क्या है हमारी, बेहद का वैराग्य। तो सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया, इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, कहाँ तक रखना है, यहीं तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से क्या बन जाएंगी, सहज योगी बन जाएं वो। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो क्या होगा, इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उनों की सेवा भले करते रहो लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है।
अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी, ना वैभव में लगाव रहा ना बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? किसका? बेहद का वैराग्य। तो अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये बेहद के रहम का वायुमंडल बनाओ। तो बाप दादा ने जुल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, पाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले शक्तियों के, गुणों के वरदान से झोली भरने वाले पाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और पाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने कहा, जो बाहर भी सुन रहे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं, और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न दे रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, तो बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है, जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं, इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।